बोकारो के हरला थाना क्षेत्र के सेक्टर 9 के राजेंद्र मोड़ पर पीपल का पेड़ गिरने से एक युवक बुरी तरह घायल हो गया, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से बोकारो जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि इस पेड़ के गिरे हुए लगभग 24 घंटे गुजर गए, लेकिन अभी तक इसे सड़क से नहीं हटाया गया। वहीं राहगीरों की हो रही परेशानी को कोई सुध लेने वाला नहीं है। हालांकि इस परेशानी को समझना BSL प्रबंधक तथा उसके द्वारा संचालित नगर सेवा भवन के अधिकारियों की बनती है, लेकिन इन लोगों को आम लोगों की परेशानी से कोई मतलब नहीं। बता दें कि नगर सेवा भवन के अधिकारी सिक्योरिटी फोर्स लेकर दिन भर नगर का भ्रमण करती रहती है, मगर इनका नगर वासियों की समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं होता। इस रास्ते से प्रतिदिन लोगों को आना जाना लगा रहता है। इसी क्रम में रविवार को रानी पोखर पंचायत के मुखिया सुंदरलाल कोयरी जब वहां पहुंचे तो गिरे हुए पेड़ को देखकर उन्होंने तुरंत अपनी JCB मंगवाकर स्वयं JCB के स्टेयरिंग संभालते हुए पेड़ को हटाया, जिसके बाद आवागमन सामान्य हो पाई। कल करीबन 2:30 बजे पेड़ गिरा था और प्रशासन और प्रबंधन किसी का ये ध्यान नहीं आया। एक आदमी का पैर टूट गया है, बेचारा हॉस्पिटल में है और इसमें आदमी का काफ़ी आना जाना है और दूसरे लोगों का परेशानी को देखते हुए अपना JCB मंगा करके और रास्ते को साफ कराने का काम कर रहे हैं। दरअसल ये काम किसको करना चाहिए था? ये काम प्रबंधन का है, प्रशासन का है, लेकिन अपना ये लोग सोया हुआ है, न प्रशासन कर रहे हैं न प्रबंधन का कोई काम है। मानव हित को देखते हुए आपने काम? हम जिसमें समाज के लोग आना जाना कर रहे हैं, सर बड़ा कठिनाई हो रही थी, इसलिए हम करवा दे रहे हैं काम। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।